सिवनी छपारा में बैनगंगा नदी में एक युवक ने करीब 12 बजे छलांग लगा दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि छपारा कला निवासी हिमांशु ठाकुर 11:30 बजे रात करीब छपारा थाना पहुंचा और उसने रात्रि में ड्यूटी में थाने में तैनात पुलिस कर्मी को बताया कि छपारा के कुछ लोगों ने मारपीट किया है। इस घटना से भयभीत था युवा के पिता राजेंद्र सिंह के मुताबिक उसने थाने में मौजूद प्रधान आरक्षक मुकेश उपाध्याय को उसके पिता और जीजा कैशलेंद्र सिंह का मोबाइल नंबर भी दिया। कैशलेंद्र सिंह ठाकुर हिमांशु की फोन पर बात हुई और कैशलेंद्र सिंह बाइक से उसे लेने थाना पहुंच गए, जहां से उसे छपारा कला उसके घर छोड़ने जा रहे थे। उसी दौरान वैनगंगा नदी के पुराने पुल में रुक गया और कहने लगा कि जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की है उन्हें बुलाओ और माफी मांगे मेरे से। ऐसा बोलते हुए नदी में छलांग लगा दिया। हालांकि छलांग लगाने के बाद उसने कैशलेंद्र सिंह से पुल के बारे में रुककर बात भी किया। फिर उसने कहा मैं घाट की ओर जा रहा हूं, तुम बाहर आ जाओ, लेकिन वह बाहर नहीं आया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब पुलिस हरकत में आ गई है। सिवनी से गोताखोर रेस्क्यू दल बुलाया गया जिसके द्वारा नदी में छलांग लगाने वाले युवक की तलाश की जा रही है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए छपारा से फयाज खान की रिपोर्ट। घटना हुई है तो क्या पता चला आपको, क्या है पूरा मामला, क्या चाहते हैं? मुझे रात को 11:30 करीब में जानकारी थाना से मिली। मुंशी जी उपाध्याय जी के मोबाइल से उन्होंने फ़ोन लगाए, मेरे को सूचना दिए कि ये आपका बालक रो रहा है, झगड़ा करके आया है, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैं घर से अपने तैयार होकर निकला, इतने में मेरे दामाद को भी सूचना थाने से मिली, वो भी आए बस स्टैंड में। उनने देखे मोबाइल दीपेन सिंह के पास था और 6-7 लड़के और खड़े थे, उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, मेरे दामाद जी को मालूम है, वो ही बता सकते हैं अभी फ़िलहाल में। क्या लग रहा है, क्या घटना, क्या ये मारपीट का विवाद है? क्या उसको मारे, उसकी गुस्सा सहन नहीं हुई उसको, वो आके नदी में कूद गया। अब तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई? अभी तक पुलिस के द्वारा कार्रवाई आप की गई है सवेरे 8-7 बजे से, रात में तो ऐसा कोई कार्रवाई हुई नहीं। क्या चाहते हैं आप? इसमें कार्रवाई होना चाहिए, मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए।